यूपी के सीतापुर के गांव चंदीभानपुर में गुरुवार को दिनभर न्यायमूर्ति और जनप्रतिनिधियों का तांता लगा रहा। गांजर के लाल के नाम से विख्यात सपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा अनावरण के साथ ही मौजूद गणमान्यों ने पूर्व सपा विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौजूद अतिथियों की जुबान पर अगर कोई चर्चा हो रही थी तो वह सिर्फ स्वर्गीय रामपाल यादव के जीवन से जुड़े प्रसंगों की। चर्चा के दौरान कई बार अतिथियों की आंखें नम हो गई। तंबौर क्षेत्र के चंदीभानपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि हाईकोर्ट इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव ने किया। प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण के साथ अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चंदीभानपुर में आवास के सामने खाली पड़े मैदान पर प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रामपाल यादव खुद एक विचार थे जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्हें लोग हमेशा याद करते रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के समय स्वर्गीय रामपाल यादव की पत्नी बिस्वा ब्लॉक प्रमुख शांति यादव, स्वर्गीय रामपाल यादव के बेटे रामेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, पुत्र मनीष यादव, पुत्र अवनीश यादव, भांजे प्रदीप यादव, पुत्री दीपा यादव, पुत्री वंदना यादव मोहनलालगंज से सपा सांसद आर के चौधरी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, बक्सी तालाब से पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, वरुण यशपाल चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, मास्टर प्रमोद वर्मा, भूरे सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपम वर्मा, तौकीर अहमद अल्लन, मोहम्मद जियाउल हक, सुधाकर शुक्ला, सुनील सिंह, खुर्शीद गौरी आदि लोग मौजूद रहे। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।